अचानक से कॉल आया कि मेहमान आने वाले हैं और मेरे पास ब्रेड के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेड से ही कुछ नया नाश्ता बना लिया जाए, और इसी एक ब्रेड से मैंने दो दो रेसिपीज बनाकर भी तैयार कर ली जो सबको बहुत पसंद आई। तो यही वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आइए इस यूनिक सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 12 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए ब्रेड, और आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए, लेकिन आज इस रेसिपी को मैं वाइट ब्रेड से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रेड के एजेस हैं उन्हें कट करके अलग कर लेंगे। तो ब्रेड का ये जो ब्राउन पार्ट होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, हमने इसीलिए इसे अलग कर दिया है, और इसे हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इससे हम एक यूनिक सी रेसिपी आज के ही वीडियो में बनाकर तैयार करेंगे। तो दो स्लाइस हम लेंगे और उन्हें एक साथ कर लेंगे, और उसके बाद दोनों को एक साथ बेलन से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ हम इसे बेल भी रहे हैं, क्योंकि इनका हमने ब्राउन पार्ट अलग कर दिया है, और ये दोनों स्लाइस जो हैं आपस में अच्छी तरीके से चिपक भी रही हैं। और इसी तरीके से मैं आपको दूसरी भी बेल कर दिखा रही हूँ। और इस नाश्ते को बनाने के लिए इस बात का खास ख्याल रखें कि ब्रेड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं आपको बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तभी यह नाश्ता हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से हम सारे ब्रेड के स्लाइस को बेलकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे ब्रेड के स्लाइस को तैयार कर लिया है। तो अब इन्हें हम गोल शेप में कटिंग करेंगे। आप चाहे तो कोई ढक्कन भी ले सकते हैं, कोई कटोरी या कोई छोटा ग्लास भी ले सकते हैं। मैं इन्हें कुकी कटर से कट कर रही हूँ। तो बाकी के जो स्लाइस ये बच गए हैं इन्हें हम एजेस के साथ ही रख देंगे ब्रेड के, और इन्हें हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इनसे आज ही हम एक नया नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन स्लाइस को हमने इस तरीके से राउंड शेप में कट करके तैयार कर लिया है, और अब हम इन सबको कॉटन क्लॉथ से ढककर रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। और अब ये जो हमारे कट किए हुए स्लाइस बच गए हैं इन्हें हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे रफली तोड़कर, और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये ग्राइंडर जार ले लिया है, और अब इसमें हम ये एजेस डाल देंगे, और इनको डालने के बाद में ग्राइंड करेंगे। तो ये जो ब्रेड के स्लाइस थे हमने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, और एकदम आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार है। तो चलें अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और उसमें 4 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे, और घी को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। तो घी तो अब अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो ब्रेड के स्लाइस हमने ग्राइंड किए थे उन्हें, और इन्हें डालने के बाद में हमको इन्हें भूनना है। तो ये जो ब्रेड के स्लाइस को हमने ग्राइंड किया है ये 2 कप के करीब हैं, तो इसे हम अब घी में डाल देंगे और अच्छे से इसे सेक लेंगे। तो जो ये क्रम्स होते हैं ब्रेड के, जब हम इन्हें घी में डालकर अच्छे से सेकते हैं तो इससे दाना बहुत अच्छा इस पर बन जाता है, तो इसकी वजह से हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये रेसिपी आपने ब्रेड से बनाई है। तो मुझे इसे भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कि इसका एक एक दाना जो है ब्रेड का अलग हो चुका है, और इसमें से महक भी बहुत अच्छी आती है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक साइड में रख देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मूंग की धुली हुई दाल ली है जिसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, और अब मैंने इसका जो सारा पानी है वो निकाल लिया है। तो इसे जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये जो दाल हमने ली है इसके लिए एक ग्राइंडर जार ले लेंगे हम। ये जो हमने ग्राइंडर जार लिया हुआ है इसमें हम इस सारी दाल को ट्रांसफ़र करेंगे, और इसके साथ ही साथ इसमें 2 टेबलस्पून के अराउंड वाटर ऐड करेंगे, और इसके बाद इसे बिल्कुल बारीक हमने ग्राइंड करना है। इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हम रेडी करेंगे। तो इस दाल का जो पेस्ट है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, और ज़रा सा भी दाना इसमें महसूस नहीं होना चाहिए हाथ में लेकर। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पेस्ट हमने रेडी किया है। और अब इस दाल को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है, और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे।
तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ गार्लिक। आप चाहें तो इसे दाल के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर इसमें ऐड करूँगी। और इसी तरह से 1 बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इन तीनों को दाल के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें ग्रेट करके डाल रही हूँ दाल में। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली जो ली है वो 1 ग्रीन चिली ली है जिसे बारीक कट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इसे अपने जायके के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 8 से 10 करी पत्ते लिए हैं जिन्हें बारीक कट कर लिया है। इनसे इनका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है इस तरीके से डालने से। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे आप हसबे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है इसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। और 1/4 टीस्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स। तो इनको आप अपने हसबे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम एक साइड में रख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर हलवा बना रही हूँ ब्रेड से। और इसमें अब मैं गुड़ ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इस हलवे का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक बार आप इसी तरह से भी बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे लगभग 1 टेबलस्पून के अराउंड। और इसमें थोड़े से काजू हम लेंगे और उन्हें डालकर फ्राई कर लेंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब इसमें हम काजू को डाल देंगे और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। और जब ये काजू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसके अंदर किशमिश डाल देंगे। तो किशमिश डालकर थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही चला लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि गर्म घी में डालने से किशमिश जल्दी ही फूल जाती हैं। एक मिनट। तो ये जो गुड़ वाली चाशनी हम बना रहे थे इसमें लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं उबाल आते हुए। इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है और ना ही इसकी कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी तैयार करनी है। बस 2 से 3 मिनट के लिए उबालना है ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये चाशनी तो रेडी हो चुकी है और जो ब्रेड क्रम्स हमने अच्छे से सेक कर रखे थे उसके अंदर इस चाशनी को ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये देखिए इसमें मैंने सारी चाशनी को ऐड कर दिया है और अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ही कम घी से हमने इस हलवे को तैयार किया है और ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो इसे हम चलाते रहेंगे और इसे बनने पे भी कोई टाइम नहीं लगता है, बस 8 से 10 मिनट इस हलवे को बनने में लगते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। तो हरी इलायची डालने से इस हलवे में बहुत अच्छी महक आ जाती है। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे इन्हें हम हलवे में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है हलवे की वो ज़्यादा थिक नहीं रखते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, घी भी रिलीज हो गया है। तो हलवा हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमने इस दाल में चावल का आटा ऐड किया था जिसकी वजह से चावल जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से जो दाल की हमारी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो गई है। तो अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे और इसकी हमें थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये स्लाइस भी हमारे कट किए हुए रेडी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो जो तेल है उसे हमने तेज़ गर्म करना है।
तो ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरीके से दाल में डिप करेंगे और उसके बाद तेज तेल में डाल देंगे। तो तेल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। तो हमने जो स्लाइस को डबल करके बेला था उसका रीज़न ये था कि जब हम इस तरीके से पकोड़े बनाते हैं तो वो एकदम फूल जाते हैं, और अगर हम यहाँ पर सिंगल स्लाइस को बेल कर पकौड़े बनाते हैं तो वो चपटे बनते हैं। तो जो ये पकोड़े हमारे फूल कर इस तरह से गोल गोल बन रहे हैं वो डबल स्लाइस की वजह से ही है। तो अब हम इन्हें इसी तरीके से फ्लिप करते हुए फ्राई करेंगे, और जब इनका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो अब इस कढ़ाई में जगह है तो इसमें हम थोड़े से पकोड़े बनाकर और डाल देंगे, और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा गोल गोल फूले फूले ये पकोड़े बने हैं, और इन्हें इसी तरीके से फ्लिप करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं थोड़े से और ऐड कर रही हूँ इसमें ताकि अच्छे से सब फ्राई हो जाए, और इन्हें फ्राई होने में भी कोई ख़ास वक्त नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाते हैं और खाने में उतने ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। तो आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए पकोड़े हमारे एकदम से बनकर तैयार हो चुके हैं, अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और अब इन्हें हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो चुका है एकदम, और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये हलवा लगता है खाने में, और कोई कह भी नहीं सकेगा जब आप किसी को खिलाएंगे ये कि ये आपने ब्रेड से तैयार किया है। और ये हलवा खाने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मूंग की दाल का हलवा हो। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व करते हैं। तो मेरे यहाँ तो ये हलवा और ये पकोड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको तो ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा लाजवाब ये बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।